जिन चीज़ों को हम अच्छा समझ रहे हैं हो सकता है वो हमारे लिए अच्छी ना हो। सही। तो यही चीज़ें चेक एंड बैलेंस के लिए हमने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया। उसमें सबसे पहले मुझे इन्होंने ही ऑफ़र की कि आप भी ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को करें। अच्छा। और ये मुझे भी पता था सेक्स वर्किंग हो रही है और इस तरीके से बड़ी बेहतियाती हो रही है, तो मैंने उसको सीरियस लिया कि नहीं यार ये ठीक कह रहे हैं ना, ठीक है, इसी के ऊपर काम करना चाहिए। तो पहले ही जो मुझे मिला वो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब की तरफ से मिला, एक साल का प्रोजेक्ट मिला कि आप ये हैं, और मुझे उसमें उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया। सही। उसमें चार और भी मुझे पीयर एजुकेटर दिए कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से ख्वाजा जो डेरे डेरों पर जाके इनको ये अगाई देंगे। तो शुरू किया, जैसे शुरू किया डेरों पे जाना शुरू किया, उनसे शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। अब ज़ाहिर सब मेल के थे ना। सही। शनाख्ती कार्ड भी मेल के थे, सब मेल थे। हाँ जी। और वो पहले ही छुपे हुए थे, डरे हुए थे, वो कहते क्यों दें हम शनाख्ती कार्ड और ये है ना, हमारे तो घर पता लग जाएगा, हम तो घर से बहाने करके निकले हुए हैं, क्योंकि सेक्स वर्कर सारे तकरीबन यही थे ना। सही हो गया। जो बिल्कुल खुल डुल के काम कर रहे थे, तो वही कंडोम के डब्बे दे देते थे कि सुबह सुबह जा रहे हैं उनके डेरे, उनको ये देख रहे हैं कि आप सेफ सेक्स करें, क्योंकि आपने उनको मना नहीं करना। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि भाई इनको इनको रोकना चाहिए, किसी तरीके से अवेयरनेस मिलेगी कि भाई एड्स हो रही है, बीमारियां हो रही हैं। मगर उन्होंने कहा कि आपने इनको डब्बे देने, वो डब्बे आने शुरू हो गए कंडोम्स के। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी बात को मैं ज़रा आसान करने के लिए कि एन जी ओज की तरफ से बाहर से जो फंडिंग आ रही है वो आपको कंडोम्स के डब्बे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डेरों पे जाके। वो बाहर से मुझे नहीं आई क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँची थी। अच्छा। अभी मैंने रजिस्टर्ड कराई थी, छः महीने के प्रोसेस में गई थी रजिस्ट्रेशन में, उनकी रजिस्टर्ड हो गई थी नाज। अच्छा। वालों की नाज कासिम वाले उनको आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इनको रोकना नहीं है। हाँ। उनके बस ये सेफ सेक्स करें। अभी कोई अलमास वो भी कोई ख्वारसरा भी बाहर भी नहीं आया, बाहर भी नहीं आया। वो मैं ही एक नज़र आई कि इस्लामाबाद में जाके उन्होंने किए, मुझसे रबता किया क्योंकि मैं ख्वारसराओं के साथ पूरे पाकिस्तान फिर के आके फिर इस्लामाबाद बैठी थी ना। सही। मुझे सब जानते थे। ठीक है। मुतनाज़ा शख्सियत भी थी। सही। ठीक है ना, उस वजह से भी और फैल गई बात की कशिश ने भी कह दिया। मगर वो जब मैंने तीन चार सालों में वो चीज़ें जब खुल दी गई, ऐसा ऐसा उनको बेनिफिट मिलने शुरू हुए।